सुंदरनगर के शीतला माता मंदिर में विश्व हिंदू परिषद का इंद्रप्रस्थ प्रशिक्षण वर्ग का समापन हो गया। इस मौके पर पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेंद्र जैन बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। जैन ने अपने संबोधन में कहा कि सुंदरनगर में 10 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का समापन बहुत ही सुखद रहा और इस कार्यक्रम में लगभग 150 कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। सुंदरनगर के शीतला माता मंदिर में विश्व हिंदू परिषद का इंद्रप्रस्थ प्रशिक्षण वर्ग का समापन किया गया, जिसमें केंद्रीय मंत्री सुरेंद्र जैन ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। विश्व हिंदू परिषद के मुख्य अतिथि जैन ने अपने संबोधन में कहा कि सुंदरनगर में 10 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का समापन बहुत सुखद रहा। इस कार्यक्रम में लगभग 150 कार्यकर्ता ने भाग लिया। उन्होंने अपने संबोधन में हाल ही में सम्पन्न हुए लोकसभा चुनाव राष्ट्रवाद के मुद्दे पर लड़े गए हैं। उन्होंने कहा कि एनडीए व विपक्ष द्वारा हिंदुओं के विभिन्न मुद्दों को चुनाव के दौरान महत्ता दी गई। उन्होंने कहा कि हिंदू हित व हिंदुओं से जुड़े हुए मुद्दों को ध्यान में रखकर लड़े गए इन चुनावों के परिणाम से विश्व हिंदू परिषद को संतोष है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय विश्व हिंदू परिषद राम जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर बनने को लेकर आने वाली बाधाएं दूर होने की उम्मीद करती है। उन्होंने कहा कि केंद्र में दोबारा बनने वाली भाजपा सरकार समान नागरिक संहिता को लागू करने को लेकर कदम बढ़ाएगी। उन्होंने कहा कि विश्व हिंदू परिषद धारा 370 व 35A को खत्म करने की भी उम्मीद रखती है। उन्होंने कहा कि सरकार के इन कदमों से राष्ट्रीय एकता व अखंडता का भाव देश भर में मजबूत होगा। उन्होंने कहा कि राम जन्मभूमि के मामले को लेकर दो जगह पर काम हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा मीडिएशन को लेकर हमारी सहमति नहीं बन पाई थी। उन्होंने कहा कि दूसरे पक्षों के साथ वार्ता का अनुभव अच्छा नहीं रहा है। बिहिप मीडिएशन को लेकर हमेशा सकारात्मक सोच से प्रयत्नशील है। आलोक ने कहा कि विश्व हिंदू परिषद के मत अनुसार दो बातें निगोशिएबल नहीं है, जिसमें राम जन्मभूमि पर राम मंदिर और अयोध्या की सांस्कृतिक सीमा में किसी और मस्जिद का निर्माण शामिल है। विश्व हिंदू परिषद के पिछले लगभग 20 वर्षों से कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण वर्ग नियमित चल रहे हैं। ये वर्ग क्षेत्र के अनुसार होते हैं। इंद्रप्रस्थ क्षेत्र, जिसमें दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर तक के सब प्रांत आते हैं, उनका ये वर्ग सुंदर नगर में माँ शीतला माता के पावन चरणों में आयोजित किया गया। इस वर्ग की सबसे बड़ी विशेषता रही कि यहाँ पर दो कार्यकर्ता ऐसे थे जिन्होंने कहा, हम सारा जीवन समाज के काम के लिए निकालेंगे और पूर्णकालिक के तौर पर यहीं से उन्होंने समाज का काम करने का तय किया है। इन लोगों ने तय किया है कि संपूर्ण इंद्रप्रस्थ क्षेत्र में अब गौ हत्या नहीं होने देंगे, धर्मांतरण नहीं होने देंगे, हम सभी संतों का सम्मान करवाएंगे, अपमान किसी का नहीं होने देंगे। और जहां तक राम मंदिर का प्रश्न है, ये संकल्प केवल विश्व हिंदू परिषद का नहीं, संपूर्ण हिंदू समाज का है। जिस दिन से ढांचा टूटा था 1528, हिंदू समाज न चैन से बैठा है, न बैठने दिया है। 76 लड़ाइयां हमसे पहले हो गई, हमने 77वीं शुरू की है। देश के 20 करोड़ से अधिक लोग इस आंदोलन में सहभागी बने हैं और अब ये संकल्प पूरे देश का बन गया है। मैं चेतावनी देना चाहता हूं राम विरोधियों को, वो रोक नहीं पाएंगे, टाल नहीं पाएंगे, अब बहुत हो गया है। न्यायपालिका जल्दी निर्णय दे, ये हम उनसे अपेक्षा करते हैं। लेकिन ये बात बड़ी स्पष्ट है, ये उन्होंने मध्यस्थता की बात की है, लेकिन मध्यस्थता में बात करते हुए भी हमारे मुद्दे स्पष्ट हैं। मंदिर वहीं बनेगा जहां रामलला का जन्म हुआ। नंबर दो, बाबर के नाम की मस्जिद पूरे देश में नहीं बनेगी। नंबर तीन, अगर कोई मस्जिद बनवानी ही है, अरे लाखों मस्जिदें पड़ी हैं, खाली पड़ी हैं। मस्जिद कोई तुम्हारे लिए पवित्र स्थान नहीं है, ये कोर्ट में भी सिद्ध हो गया, तुम लोगों ने भी माना है, और पवित्र नहीं है इसीलिए सड़कों पर नमाज पढ़ते हो, और इसलिए जिद मत करो, फिर भी बनानी पड़ेगी तो अयोध्या की सांस्कृतिक परिधि से बाहर बननी चाहिए। और नंबर चार, उन्हीं संतों के द्वारा बनेगा जो संत इस आंदोलन को यहां तक लेकर आए हैं, इस पर कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। और ये निश्चित है, हिंदू समाज ये संकल्प ले चुका है, ये पूरा होकर रहेगा, बहुत जल्दी होगा।